झारखंड के फिजाओं में क्रिकेट है, हवाओं में क्रिकेट है और महेंद्र सिंह धोनी ने इसको साबित भी किया है। क्रिकेटिंग आइकन है और वर्ल्ड के क्रिकेटिंग पिरामिड में एक अलग जगह भारत को उन्होंने दिलवाई है। जेसीए स्टेडियम है ये और झारखंड में उनके पीछे कई बडिंग क्रिकेटर्स जो है वो निकल कर आए जिन्होंने अपनी मजबूत मौजूदगी आईपीएल में दर्ज करवाई, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी लगातार वो दस्तक दे रहे हैं। अब यहां से प्रतिभाओं की जब कोई कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें निखारने की जरूरत है, तो जेएससीए ये आई कर रहा है कि क्यों ना जो महिलाओं में टैलेंट है, गर्ल्स में जो टैलेंट है उसको भी निखारा जाए। इसको लेकर एक टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, T20 टूर्नामेंट। इस वक्त हमारे साथ जेएससीए के पदाधिकारी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, ये किस तरह का फॉर्मेट होगा, कितने टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या इसका बेसिकली जो है कॉज है, नोवल, आप लोग कैसे इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं? पहला चीज कि टीम पार्टिसिपेशन में 5 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और जितनी लड़कियां यहां खेल रही हैं सारी झारखंड की हैं, कोई बाहर से नहीं है। और राउंड रोबिंग लीग है, टोटल आज से कल से मैच शुरू होगा और 12 तारीख को फाइनल्स खेल के हम लोग खत्म कर देंगे इस मैच को। जो पर्पस है हमारा वो ये है कि महिला खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का नेशनल स्तर तक भी पहुंचे, उनका अपना टैलेंट इम्प्रूव करें, स्किल इम्प्रूव करें, स्टैमिना इम्प्रूव करें, यही हमारा मकसद है। झारखंड से आप देखे होंगे कि मजबूत जो है मौजूदगी दर्ज हुई है, कई क्रिकेटर जो है इस बार जो है रॉबिन मिंज भी आ रहे थे, कई लोग जो है खेल रहे हैं, अच्छी जो है उन्होंने अपनी जो है प्रेजेंस भी फील करवाई है, ईशांग जग्गी है, सारे लोग जो है खेल रहे हैं। इस तरह का एकाध नाम महिलाओं में भी अब जो है आना चाहिए और वो हम लोग जो है उसमें कहीं ना कहीं झारखंड अभी पीछे है, कितना जरूरत है इसको प्रमोट करने। निश्चित तौर पे बहुत जल्द आपको जो है सो झारखंड में भी महिला खिलाड़ी जो है सो भारत के मानचित्र पर दिखेंगी और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। और जहाँ तक अभी नए प्लेयरों में जैसे अश्वनी, खुशबू, कुमारी, ये लोगों का जो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अश्वनी अभी जो WPL दिल्ली की टीम में भी है और मैं ये टूर्नामेंट जो हो रहा है बेसिकली जो है सो एक झारखंड में जो स्तर है उसको इम्प्रूव करने के लिए T20 के ट्रायल वगैरह तक पहुंची कि नहीं हमारी लड़कियां? निश्चित तौर पर पहुंची हैं हमारी लड़कियां और ऐसा है कि जिस तरह से हम लोग इस बार तैयारी करवा रहे हैं, मुझे आशा है कि एक दो लड़कियां जरूर ऊपर तक आएंगी। ये लोग क्या पार्टिसिपेंट हैं? ये लोग पीछे जो हमारे खड़ी हैं ये सारी पार्टिसिपेंट, कोई एक आध हम लोग बात करते हैं कि नहीं? ये देखिए यहाँ पे जो है आप जितनी लड़कियां हैं देख सकते हैं इन लोगों ने पार्टिसिपेट कर रही है और कितना फायदा होगा इनको ऐसे टूर्नामेंट से। अश्विनी आप हैं तो ये देखिए इन्होंने खेला है, आपने ट्रायल वगैरह दिया इंटरनेशनल के लिए? नेशनल्स नहीं खेला है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला है अभी तक। दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला है आपने और गुजरात जायंट्स के लिए खेला है। ये जो अब जो फॉर्मेट यहाँ पे शुरू किया जा रहा है जेएससीए स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम है, तो इससे कितना फायदा होगा, क्रिकेट का कितना फायदा होगा और लड़कियों को टैलेंट इम्प्रूव करने में, स्किल को जो है डेवलप करने में कितना फायदा मिलेगा? सर, सबसे पहले जितने मैचेस होते हैं आपका मैच टेम्परामेंट बिल्ड होता है। जब आप मेंस का बात करते हो और वुमेन्स का बात करते हो तो सबसे बड़ा डिफरेंस ही मैच होता है। माने जैसे लीग मैच, हाँ, अलग अलग जो मैचेस होते हैं, ए डिवीजन, बी डिवीजन, जितने ज्यादा मैचेस होंगे उतना अच्छा है ना, उतना ज्यादा लड़कियां आएंगी, इन्वॉल्व होंगी क्रिकेट में, तो क्रिकेट उजर उनको करेगा। तो ये जरूरत है कि यहाँ पे भी उस तरह का राउंड रोबिन लीग, जैसे ए डिवीजन सीजन शुरू होता है तो ए डिवीजन, बी डिवीजन, सुपर लीग, ये सब होता है, उस तरह से महिलाओं के लिए भी हो। सर, ये तो एसोसिएशन का काम है। नहीं, मतलब होना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा मैच होना चाहिए, वो उनका कॉल है, वो लोग अपना देखेंगे, उनको जो बेहतर लगता है वो चीज कर रहे हैं अपने हिसाब से जो भी उनको है। और ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए और उम्मीद करेंगे कि आगे और अच्छा मिलेगा हमें प्लेटफॉर्म। इन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है और इनको लगता है कि इस तरह के फॉर्मेट में और ज्यादा से ज्यादा अगर मैच ऑर्गेनाइज होगा तो इसका कहीं ना कहीं फायदा होगा, कहीं ना कहीं एक्सपोजर होगा और लड़कियां भी झारखंड से निकल पाएंगी, देश को रिप्रेजेंट कर पाएंगी और एक बड़ा नाम लड़कियों में भी झारखंड दे पाएगा, जैसे महेंद्र सिंह धोनी या बाकी वरुण एरोन से लेकर तमाम क्रिकेटर जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है, उस तरह का बड़ा नाम अब लड़कियों से भी आएगा अगर इस तरह के मैच लगातार आयोजित किए जाते हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।